आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ है। आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय 5 एम्पियर करेंट सोर्स इन सर्किट बाय यूजिंग नोडल मेथड। तो हम लोगों को नोडल मेथड का यूज़ करके यहाँ पर पावर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोगों को कैसे कंसीडर करना है नोड वन की तरह, इस पॉइंट को कैसे कंसीडर करना है नोड टू की तरह, और इस पॉइंट को कैसे कंसीडर करेंगे ग्राउंड। तो जब भी किसी पॉइंट को ग्राउंड कंसीडर किया जाता है तो वहाँ पर का वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आइए क्या करेंगे, नोडल मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जब कभी भी इसको नोडल मेथड से सॉल्व करेंगे तो नोड वन का वोल्टेज कैसे लेंगे, वी वन, नोड टू के वोल्टेज को कैसे लेंगे, वी टू, और नोड थ्री के वोल्टेज को क्या लेंगे, वी थ्री, और ग्राउंड का वोल्टेज क्या लिया जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि नोड वन और नोड टू के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर देख पाएंगे नोड वन और नोड टू के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब इस ब्रांच को करंट बनाकर लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो इस ब्रांच का हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है तो रेजिस्टेंस के वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे नॉर्मल नोडल एनालिसिस मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि करंट बनाकर लिखेंगे तो करंट का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे नॉर्मल नोडल मेथड का यूज़ ना करके सुपर नोडल एनालिसिस मेथड का यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं और सुपर नोडल एनालिसिस मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। जब आप लोग सुपर नोडल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तब आप लोग इतने समझ जाएंगे कि कौन से सर्किट में सुपर नोड मेथड लगाना है या नॉर्मल नोडल मेथड से करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट वाले पार्ट पर जाएं और सुपर नोडल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। जब किसी दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट वोल्टेज दिया हो तो यहाँ पर दो नोड के बीच में हम लोगों को वोल्टेज कितना दिया है, वी वन, और वी टू के बीच में वोल्टेज कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो हम लोग पहला इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो वी वन, दूसरे नोड का वोल्टेज क्या है, वी टू, तो वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। या जब हम लोग वी टू से वी वन की तरफ ट्रेवल करेंगे तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -10। तो इन दोनों तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि साइन को कैसे कंसिडर किया जाता है। जब वी वन से वी टू की तरफ गए तो हम लोगों को पहला साइन क्या मिला, प्लस, तो प्लस करके लिख सकते हैं। अगर जब हम लोग वी टू से वी वन की तरफ जाएंगे तो पहला साइन क्या मिलेगा, माइनस। तो इन दोनों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर नोडल एनालिसिस मेथड अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से दो नोड को मिलाकर लिखा है, नोड वन और नोड टू। तो नोड वन से जितने भी बनने वाले ब्रांच करंट होंगे या करंट होंगे, और नोड टू से जितने भी बनने वाले ब्रांच करंट होंगे या करंट होंगे, उनको मिलाकर हम लोगों को एक साथ लिखना होगा। जब वी वन वोल्टेज बड़ा हो जाएगा तो सभी करंट कहाँ पर से निकलेंगे, वी वन ब्रांच से निकलेंगे। अब जब नोड वोल्टेज वी टू सबसे अधिक बड़ा हो जाएगा तो सभी ब्रांच करंट कहाँ से निकलेंगे, नोड टू से निकलेंगे। और इन दोनों ब्रांच पर मैंने करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें पहले से ही
करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किए, नोड वन और नोड टू के कारण जितने भी ब्रांच पर करंट का डायरेक्शन नहीं पता था उनमें हमने सबसे पहले करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड वन और नोड टू को मिलाकर ब्रांच करंट इक्वेशन लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कॉपी में इक्वल साइन बनाएंगे। नोड वन या नोड टू से जितने भी जो आउटगोइंग ब्रांच करंट होंगे या करंट होंगे उनको हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। नोड वन या नोड टू पे जितने भी ब्रांच करंट जो इनकमिंग होंगे या इनकमिंग करंट होंगे उसको हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ब्रांच करंट आउटगोइंग है और कौन कौन से ब्रांच करंट इनकमिंग है। तो आइए उनको हम लोग लिख लेते हैं एक साथ इक्वेशन बनाकर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो 3 ओम वाला ब्रांच है वो नोड वन और नोड थ्री के बीच में कनेक्ट है और इसका डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग है। तो इसको लिख पाएंगे V1 - V3/3 आउटगोइंग होने के कारण। इसको हम लोगों ने कौन से साइड में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब आगे लिखेंगे, दूसरे ब्रांच को देखेंगे जो कि आउटगोइंग है। तो हम लोग देखेंगे ये 2 एम्पियर जो नोड वन और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है, तो ये इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख लेंगे, डायरेक्ट 2 लिख लेंगे क्योंकि ये पहले से ही करंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नोड वन पे कोई और ब्रांच थोड़ी छूटा है, तो नोड वन पे ये 2 ब्रांच ही जुड़े हुए हैं, इनके कारण बनने वाले इक्वेशन को हम लोग ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, नोड टू से भी जितने बनने वाले ब्रांच करंट होंगे उनको एक साथ करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस 1 ओम के लिए देखेंगे जो नोड टू और थ्री के बीच में जुड़ा है और इसका भी डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग होने के कारण उसको हम लोग कौन से साइड में लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो V2 - V3/1। अब आगे देखेंगे इस 5 ओम के लिए लिखेंगे जो नोड टू और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है, तो लिख पाएंगे V2 - 0/5। अब यहाँ पर एक 5 एम्पियर करंट सोर्स बचा हुआ है और इसका डायरेक्शन कैसे है, नोड टू पर इनकमिंग है। तो इनकमिंग को हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 2 फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं V1/3 - V3/3 और इस 2 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। बाकी को फिर लिख लेते हैं V2/1 - V3/1 + V2/5। अब क्या करेंगे, सभी टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले V1 वाले टर्म को, फिर V2 वाले टर्म्स को, फिर V3 वाले टर्म्स को। तो V1 वाला टर्म्स देखेंगे एक ही है, तो उसको लिख पाएंगे V1/3। अब V2 वाले टर्म को देखेंगे, यहाँ पर 2 V2 वाले टर्म हैं, तो इन दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6V2/5। अब V3 वाले टर्म को देखेंगे, तो V3 वाले टर्म को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4V3/3 = क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नोड 3 पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 को फाइंड आउट करेंगे। जब हम लोग नोड 3 के लिए नोडल इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो V3 के कारण जितने भी रेजिस्टेंस वाले ब्रांच होंगे उनमें करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब नोड वोल्टेज V3 बड़ा होगा तो सभी करंट कहाँ से निकलेंगे, नोड वोल्टेज V3 से। तो इसके कारण तीनों ब्रांच पर हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन कैसे ले लिया, आउटगोइंग ले लिया।
अब क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉपी में क्या करेंगे, इक्वल का साइन करेंगे। जितने भी आउटगोइंग ब्रांच होंगे उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जितने भी इनकमिंग ब्रांच होंगे उनको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3 ओम वाले ब्रांच के लिए जो कि नोड 3 और 1 के बीच में जुड़ा है। तो यहाँ पर लिख पाएंगे V3 - V1/3। अब इस 2 ओम वाले ब्रांच के लिए लिखेंगे जो नोड 3 और ग्राउंड के बीच में जुड़ा है, और इसका भी डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग है। तो लिख पाएंगे V3 - 0/2। अब हम लोग नोड 3 और नोड 2 के बीच में देखेंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, इसका भी डायरेक्शन कैसे है, आउटगोइंग है। तो V3 - V2/1। और इस नोड पर कोई इनकमिंग ब्रांच नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, =0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, V3/3 - V1/3 V3/2 + V3/1 - V2/1 = 0। अब सभी टर्म्स को अरेंज करके लिख लेंगे, सबसे पहले V1 वाले को, फिर V2 वाले को और V3 वाले को। तो लिख पाएंगे -V1/3 V2 वाले टर्म्स को लिखेंगे -V2/1 और सभी V3 वाले टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे। तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 11/6 V3 = क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करके V1, V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1, V2 और V3 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, V1 का वैल्यू मिलेगा 13.70 वोल्ट और V2 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 3.70 वोल्ट और V3 का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 4.51 वोल्ट। तो हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन से सुपर नोड एनालिसिस मेथड अप्लाई करके V1, V2 और V3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू का यूज़ करके क्वेश्चन के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर देख पाएंगे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाई 5 एम्पियर करेंट सोर्स। तो हम लोगों को जो 5 एम्पियर करेंट सोर्स है उनके कारण पावर डिलीवर्ड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, V1, V2 और V3 के वैल्यू को फिर से लिख लिया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पावर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V × I। तो ध्यान से देखेंगे हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना पता है, 5 एम्पियर पता है। अब हम लोगों का वोल्टेज का वैल्यू चाहिए। तो 5 एम्पियर करंट सोर्स कौन से नोड के बीच में कनेक्ट है, V2 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है। तो यहाँ पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और V2 का वैल्यू कितना है, 3.70। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को पावर का वैल्यू कितना मिलेगा, 18.5 वाट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में दिए हुए टास्क को कंप्लीट किया, जो पावर डिलीवर्ड बाय द 5 एम्पियर करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, 18.5 वाट। इसी के साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन में सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करना सीखा और उसी के साथ ही पावर का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो अगर आपको यह क्वेश्चन बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।